सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत महत्वपूर्ण सुनवाई किसान आंदोलन के लेके और किसान कानूनों को लेके की, जिसमें सबसे पहली बात तो जो दिल्ली सरकार अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के थ्रू ये बात कर रहे थे कि जो किसान रैली होनी है 26 जनवरी को, उसके बारे में कुछ ऐसा आदेश, कुछ ऐसा स्टे, कुछ ऐसी रोक, कोई चीज़ ऐसी आए जिससे कि रोक लग सके। लेकिन उस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने किसानों के हित को देखते हुए, किसानों की भावनाओं को देखते हुए, माननीय और 26 जनवरी जो गणतंत्र दिवस है, परेड है, उन सब की पूरे देश की भावनाओं को देखते हुए उस पर कोई रोक नहीं लगाई है और कहा है कि ये राज्य का मामला है, राज्य इसमें डिसाइड करे क्या करना है क्या नहीं करना है, आउटर रिंग रोड से रैली निकालनी है, किधर से निकालनी है, क्या करना है, वो उनका अपना जुरिडिक्शन है, इसमें हम कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है। तीन सदस्यीय कमेटी को लेकर क्या बोले? तीन सदस्यीय कमेटी को लेकर हम लोगों का जो था कि उनकी निष्पक्ष नहीं है, इम्पार्शल नहीं है, न्यूट्रल नहीं है, पॉलिटिकल उससे जुड़े हुए हैं, तो इस हालातों में, इन स्थितियों में उन्हें मेंबर न रखा जाए, और एक मेंबर तो इस्तीफा दे चुके हैं, तो चार मेंबर तो चाहिए, चौथे मेंबर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के रिटायर्ड जस्टिस रखे जाएं, जो किसी राजनीति से प्रेरित ना हो, किसी संगठन से वैसे न जुड़े हो, निष्पक्ष हो, किसानों के हित की, किसानों के बारे में न्यूट्रल होके, निष्पक्ष होके, बिना किसी भेदभाव के देश के सभी किसानों से बात कर सकें, देश के सभी किसान संगठनों से बात कर सकें, और बात करने के बाद निष्पक्षता के साथ रिपोर्ट अपनी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पेश कर सकें। सर, दिल्ली पुलिस को भी कहा है कि जो अपनी जो अर्जी है उसको वापस लिया जाए। हाँ, अर्जी के लिए उन्होंने, मैंने मांग की है कि यह एप्लीकेशन जो उन्होंने लगाई है वो डिसमिस कर दी जाए, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि मिस्टर सिंह, मैंने आपकी एप्लीकेशन देखी है, पढ़ी है, और उसी आधार पर मैं ये आदेश कर रहा हूँ, इसलिए उसमें कोई इसमें बात नहीं है कि पूरी तरह से ये था। ऐसा भी कुछ कहा गया कि तीन मेंबरी कमेटी का जो राय होगी वो एज ए राय होगी, तो कानून की मोहर नहीं लगेगी। हाँ, बिल्कुल कानून, ये तो सत्य है, कानून वो राय देंगे। अब हमें पता चलेगा वो देश के पूरे हिस्से में गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक के किसानों से बात कर पाते हैं नहीं कर पाते, कितने किसान संगठन उनसे मिलेंगे। लेकिन मेरा मानना ये था कि जब शुरू से ही इस तरह का भाव आ गया है, निष्पक्षता पे सवाल उठ गया है, उनकी जो वाइस है उनका वो आ गया है, आर्टिकल आ चुके हैं, उनकी मुलाकात माननीय केंद्रीय कैबिनेट मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी से हो चुकी है, उनका लेटर पब्लिक डोमेन में आ चुका है, आपके द्वारा मीडिया अखबारों के माध्यम से उनकी निष्पक्षता पे सवालिया चिन्ह लग चुका है, तो ऐसे मामले में किसानों से जुड़ा मामला है, किसानों के हित के मामला है, तो निष्पक्षता के साथ और बड़ी गंभीरता के साथ ऐसा होना चाहिए जो किसी राजनीतिक पार्टी से उससे संबंधित ना हो, किसी ऐसे संगठन से संबंधित ना हो, और निष्पक्ष हो, न्यूट्रल हो, जो हारमोनी सौहार्दता, ये विषय विश्वास का है। ये कानून केवल सरकार और किसान की लड़ाई नहीं है, किसानों की लड़ाई सिर्फ कानून के खिलाफ है, सरकार के तो साथ हैं, 26 जनवरी के साथ हैं, देश की सभ्यता संस्कृति आन मान शान के साथ हैं, लेकिन किसानों की लड़ाई इन कानूनों के खिलाफ है, तो इन कानूनों के खिलाफ एक ऐसी हारमोनी सौहार्दतावान सद्भावपूर्ण वातावरण जो हो सके, जिससे सभी लोगों को ये पता चल सके, देश के लोगों को, कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी हमारी पूरी तरह से सुन रहा है, उन्होंने कहा स्टे दिया है, कोई चिंता की बात नहीं है, देश के किसानों को बिल्कुल परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोर्ट ने स्टे दे दिया, रोक दिया, कहीं इंप्लीमेंटेशन इसका नहीं होगा, यह समझना चाहिए और इसी के साथ आगे की प्रोसीडिंग करना चाहिए, क्योंकि किसान इस देश का 10 दौर की वार्ता हो चुकी, उसे भरोसा नहीं है, वो सरकार से भरोसा चाहता, 10 दौर की वार्ता के बाद भी अगर किसान का भरोसा नहीं है तो इस देश के लिए भी दुखद है, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय इसीलिए लगातार जल्दी जल्दी सुनवाई कर रहे हैं, और मैटर पेंडिंग होते हैं, लेकिन किसानों का मामला है, उनकी वजह से इस मामले की लगातार सुनवाई की जा रही है। लेकर डायरेक्शन तो नहीं दी गई कि दिल्ली पुलिस से तालमेल करे, ट्रैक्टर मार्च को लेकर, किसानों के ट्रैक्टर मार्च जो 26 जनवरी को होने वाला है, उस पर दिल्ली पुलिस की तरफ से अटॉर्नी जनरल बहुत प्रयास करते रहे कि कोई रोक लगाने का आदेश कहे, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ट्रैक्टर मार्च पर कोई भी रोक लगाने से मना कर दिया है और कहा राज्य सरकार का मामला है, राज्य निपटारा करेगा, ये किसानों की भी जीत है और इस देश के जो भी किसान हैं उनके अंदर जो भाव है, देशभक्ति है, उस देशभक्ति की जीत है। सिंह जी, जो एजी से सुप्रीम कोर्ट ने रिप्लाई मांगा है कमेटी को लेकर, वो क्या बातचीत हुई है? वो हमारी जो एप्लीकेशन दी गई है उस पर रिप्लाई मांगा है, जो हमारी एप्लीकेशन हमने मूव की है इन कमेटी के तीनों सदस्यों के बारे में, क्योंकि एक ने तो इस्तीफा दे दिया है तो उनके बारे में हम ज़्यादा नहीं कह सकते, और उन्होंने इस्तीफा बड़ा साफ दिया, बड़ा दिल से दिया कि हम किसानों के हित के साथ समझौता नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम इस सम्मानजनक कमेटी से इस्तीफा दे रहे हैं। ये खुद में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ये खुद में अपनी सारी बात कह देता है, उनकी चार लाइनें खुद में सब बात को कह गई हैं और किसानों के हित को बता गई। ठीक है।